इसी बीच बड़ी खबर, 13 दिन से इसराइल हमास के बीच में जंग जारी है। हमास के खात्मे पर अड़ा हुआ है इसराइल। अब तक करीब 5000 लोगों की जान जा चुकी है। दोनों ओर से अटैक में 20000 लोग घायल हुए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। देखिए, नुकसान दोनों ही तरफ हो रहा है। जो सिविलियंस हैं उनकी जान जा रही है दोनों ही तरफ, इसराइल और गाजा पट्टी में भी। देखिए, 13 दिन जारी इस युद्ध के लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। युद्ध लगातार जारी है गाजा पट्टी से। हमारे साथी अभिषेक उपाध्याय जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, वहां पर ताजा क्या है हालात, वो जरा बताइए, और अब किस तरीके से ये पूरा जो युद्ध है वो आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है वहां पर? दीपा, गाजा पट्टी में इसराइल की ओर से अटैक लगातार जारी हैं। हमको बाकायदा सुनाई पड़ रही है, धमाकों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं, धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा है वहाँ के आसमान में। और हमारे पास इस बात की जानकारी भी मिली है कि किस तरह से वहाँ पर जो हमास के ऑपरेटिव्स हैं उनको भी बाकायदा निशाना बनाया गया है, उनको भी उन पर भी अटैक किया गया है, इस बात की भी जानकारी हमको मिल रही है। और ये लगातार इसराइल का वहाँ पर अटैक ये जारी है। और बड़ी बात, मैं आपको एक बात ये भी बताऊं कि ये भी पूरी कवायद की जा रही है कि इसराइल की हमास की कमर तोड़ दी जाए, ताकि उसके बाद जो ग्राउंड ऑपरेशन है, ग्राउंड ऑपरेशन चलाने में आसानी हो। तो जैसे इधर ऋषि सुनक आए हुए हैं, वो उनका यहाँ पर बातचीत चल रही है, बाइडेन आए हुए थे, लेकिन साथ साथ में इसराइल ने अपना एरियल अटैक रोका नहीं है, वो साफ तौर पर वहाँ पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। अभी भी वहां पर आप कह रहे हैं कि जो हमले हैं वो रुके नहीं है, लगातार हमले वहां पर हो रहे हैं, रॉकेट अभी भी दागे जा रहे हैं, रुक रुक करके। आप रहे हमारे साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।